इंदौर शहर के कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कार डे पर अपने निवास से पदयात्रा कर सिटी बस से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मीडिया से अपना अनुभव साझा किया। मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नो कार डे ये एक पल की शुरुआत है। इसके साथ ही पर्यावरण के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों से एक दिन कार से सफर ना करने की अपील की है। कलेक्टर ने सफर के दौरान ट्रांसपोर्ट बसों में हुई अनियमितताओं को भी साझा किया और इस विषय को संज्ञान में लेते हुए व्यवस्थाओं को सही करने की बात कही। किया था कि हम लोग ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज़ करेंगे एंड डेफिनेटली पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत अच्छा कदम है। हमारी इंदौर में टोटल 23 लाख व्हीकल है, उसमें 4.5 लाख व्हीकल्स ना कार्स हैं एंड एवरी ईयर हम लोग ना 42,000 ना कार्स का न्यू रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। बट डेफिनेटली ये बढ़ेगा जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा ना कार की संख्या भी बढ़ेगा। बट एक सिंबॉलिक ना इनिशिएटिव है, बट एक बहुत ना महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है कि हम हमारे लाइफ स्टाइल में भी है ना हमारे पास कार होने के बाद भी है ना कुछ चेंजेस है ना लाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ना यूज़ करेंगे एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रोल रहेगा, अर्बन प्लानर्स की क्या रोल रहेगा। डेफिनेटली ये डे है हमको ये भी याद दिलाएगा कि हमको और क्या इनिशिएटिव लेने का जरूरत है सो दैट एक्चुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर सके और बाईसाइकिलिंग ऐसे लेन्स है सिटी प्लानिंग में है ना भले सिम्बॉलिक हो बट हमें सोच विचार करने को भी ना मजबूर करेगा ये डे। खुरई विधानसभा में विकास कार्य जोरों से चल रहा है और क्षेत्र के बरोदिया कला की तस्वीर ही बदल गई है। आपको बता दें कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जब से खुरई विधानसभा की कमान संभाली है तभी से बरोदिया कला की तस्वीर के साथ तकरीर भी बदल गई है। मंत्री ने नगरवासियों के सुझाव पर काम करने की कोशिश की और नगरवासियों का सहयोग भी मिला, नतीजा आपके सामने है। विकास कार्य दोगुनी गति से होने लगे हैं। नगरवासियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुविधाजनक उपलब्ध हो रहा है।